हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरुषोत्तम रिव्यूज। इस वीडियो में हम विक्रांत राणा जो मूवी था वो मूवी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड पहले बता रहा हूँ, ये जो पूरा वीडियो है कंप्लीट स्पॉयलर है, क्योंकि इसमें विक्रांत रोना मूवी में जो भी स्टोरी था एंड उसमें जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स था उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पहले ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने में क्यों मजबूर हुआ मैं, क्योंकि बहुत लोग है, बहुत बड़ा बड़ा रिव्यूअर्स का नाम छाप के बहुत दिन से ऑडियंस को मैं जो बता रहा हूँ वही रिव्यूज करके बहुत ही घमंडी से चल रहे, वो सब लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। एंड ऑफकोर्स बहुत ऑडियंस भी है एंड उसमें कुछ क्रिटिक्स भी है, वो लोग को ये भी समझाने कि मूवी में स्टोरी क्या है। ठीक है, पहले भाई साहब एक बात बताता हूँ, आप लोग का अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है तो समझ में आएगा कि स्टोरी क्या है, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया। आप लोग पूरा पॉपकॉर्न खाने में बिजी है या वॉशरूम जाने में बिजी है तो कोई सेव नहीं कर सकता आपको। ठीक है, पहले आपको मूवी समझ में नहीं आया तो ये बता दो कि हमको मूवी समझ में आया नहीं। ठीक है, वो बताना चाहिए, ये नहीं बताना है कि मूवी में कुछ स्टोरी है ही नहीं करके। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मूवी में स्टोरी क्या है। ठीक है, तो एक गांव रहता है, वो एक गांव में एक लोअर कैस्ट का बंदा लोग रहता है। ठीक है, एंड अपर कास्ट का बंदा भी रहता है, एंड ये लोग लोअर कैस्ट बंदा को एक कीड़ा का तरह ट्रीट करता रहता है। ठीक है, स्कूल में भी आने नहीं देते पढ़ने के लिए, ऐसा सिचुएशन था गांव में। तो एक दिन क्या होता है कि गांव में एक मंदिर है, और मंदिर में चोरी होता है, तो क्या है जो लोअर कैस्ट का जो भी फैमिली है उसका ऊपर वो गांव वाला इंजाम लगा के वो जो भी है उसका हेड ऑफ द फैमिली है जो बंदा है आदमी को मार देता है। एंड पूरा जो भी बच्चे है, मेनली ये लोग जो स्कूल में पढ़ने जाता है तो बहुत ही बेइज्जती करता है, जो भी दो बच्चा रहता है वो दो बच्चों को बहुत ही बेइज्जती करता है। तो जो क्लासमेट से दोनों बच्चे को भी मारने के लिए आता है, एंड उसका एक छोटा सा बेबी भी रहता है उसको भी मार देता है। तो ये होता है पास्ट में। ठीक है, तो ये होने के बाद ये लोग सुसाइड कर देते हैं सब लोग, एंड उसमें एक सुसाइड नोट रखता है कि हमारा जो भी सुसाइड के लिए जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल था वो लोग को वम्स हम लोग खत्म कर देगा, मतलब वो लोग का जो भी परिवार है जो भी फैमिली है उसको अंत करेगा करके एक सुसाइड नोट लिख के सब लोग मर जाता है। एंड उसके बाद से गांव में एक के बाद एक छोटा छोटा बच्चे जो भी रहता है ना वो लोग का किलिंग्स होता रहता है, एंड नियरली 16 बच्चे का लाश मिलता है, 16 बच्चे का लाश मिलता है। ठीक है, तो कौन कर रहे ये सब मर्डर्स वो हमको मूवी में लेयर बाय लेयर रिवील होता है। ठीक है, मर्डर कौन करता है, ये जो साइकोपैथ्स है वो साइकोपैथ कौन है, कौन मर्डर कर रहा है। एंड कुछ लोग बोलते हैं एक भूत है, वो भूत आके मार देता है सबको, तो वो भूत कौन है तो वो हमको देखने मिलेगा। एंड अभी मैं बताता हूँ मूवी का जो स्टोरी के हिसाब से मूवी, अगर आप लोग मे बी स्टार्टिंग में अगर देखा नहीं तो फिर से देखो मूवी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक माँ और बेटी गाड़ी में जाता है, तो अचानक से कोई एक बंदा आता है, वो बंदा कौन है किसी को पता नहीं, और राक्षस है या इंसान है किसी को भी पता नहीं, वो आते है वो बेटी को चोरी करके चला जाता है, जो माँ है माँ को मार देता है एंड बेटी को चोरी करके चला जाता है। उसके बाद क्या है किसी को पता नहीं क्या हुआ, एंड मैं बताता हूँ क्या हुआ, वो जो बेटी है उसी को भी ऐसे ही तरह मार के, ठीक है, एक पेड़ पे लटका देता है, हैंग कर देता है वो बेटी को भी। ठीक है, तो मर जाता है। एंड हमारा जो हीरो है विक्रांत रोना उसका ही बेटी है, तो ये जो बंदा है उसका जो बेटी है किसने मारा, ठीक है, वो किसने मारा करके वो गांव पे आता है, एंड वो खुद एक इंस्पेक्टर है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है किसी ने ये सब मर्डर कर रहा है, जो भी मास मर्डर्स किसने मास मर्डर्स कर रहा है एंड क्यों कर रहा है वो पूरा पता करता है। एंड फाइनली पता चल जाता है कि 28 साल पहले जो भी फैमिली हम लोग सुसाइड कर रहे करके जो सुसाइड नोट लिखा था वो जो फैमिली में जो भी लड़का लोग है जो लोग स्कूल में जाता था एंड उसका जो स्कूल में क्लासमेट्स है वो लोग को बेइज्जती करता था वो दोनों बच्चा जो है मरा नहीं एंड उसका माँ भी जिंदा था। तो ये तीनों लोग मिलके गांव में जितना भी बच्चा था अलग अलग टाइम में वो लोग को मारता था। इतना बढ़िया स्टोरी है मूवी में, इतना बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, एक फैमिली है वो लोग रिवेंज लेता रहता है एक पूरा गाँव को लेके, तो गाँव में जो भी फैमिलीज है मेनली ये लोग जो जो लोगों की वजह से बेइज्जती हुई है वो सबका फैमिली एक एक टारगेट करके खत्म करता रहता है। इतना बढ़िया स्टोरी था। एंड फाइनली हमारा जो हीरो है वो आके
किसने कर रहे करके ट्रेस आउट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन है ना 28 साल पहले क्या हुआ, एंड वो पूरा लिंकअप करके आता रहता है। तो फाइनली किसने कर रहे, किसने किया है, एंड वो जो लोग है वो कौन है, जो भी रिवील करता है, इतना अच्छे से रिवील किया है, एकदम जबरदस्त रिवील किया था। एंड फाइनली हमको वो पूरा स्क्रीन पे लेके आता है कि जो लोग था वही लोग ये सब कर रहे। तो फाइनली वो लोगों के ऊपर हमारा हीरो, क्योंकि इसका बेटी को वो लोग ने मारा, तो ये भी रिवेंज लेता है, एंड ऑफ कोर्स बाकी भी बहुत मर्डर्स किया तो डेफिनेटली रिवेंज तो ले ही सकता है। तो मूवी खत्म होता है, इतना बढ़िया तरीके से मूवी प्रेजेंट किया। तो हमारा जो बड़ा बड़ा क्रिटिक्स है, एंड यूट्यूब में लाखों सब्सक्राइबर्स आ गया, तो खुद समझेगा कि मुझसे ज्यादा बड़ा किसी को जानता नहीं मूवी के बारे में करके। अरे भाई पहले आप लोग मूवीज देखो, ठीक है, जो मूवी बहुत ही पॉपुलर होता है एंड जो मूवीज फेमस होता है, बस उसी का आप लोग रिव्यूज करते रहते हो, ठीक है, आप बस वही मूवीज का पीछे पड़ा रहता हो। पहले आप लोग मूवी ढंग से देखो, ठीक है, पॉपकॉर्न खाने में बिजी रहने से मूवी समझ में नहीं आता है। मूवी टाइम पे जाओ, पूरा मूवी देखो, एंड जो भी है एनालिसिस करो, उसके बाद आके रिव्यूज डालो, ठीक है। कुछ भी एंटरटेनमेंट का नाम है, कुछ भी आप बक दोगे तो लोग ऐसे बैठ के देख के आ वाह वाह करके नहीं बोलने वाला है, ठीक है। एंड दूसरा बात, कुछ लोग है जो नॉर्मल मास ऑडियंस है, मे बी जो आईक्यू लेवल्स थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, वो लोग को मूवी समझ में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग को क्या है ना, आइटम सॉन्ग चाहिए, गाना चाहिए, पूरा डांस वगैरह बहुत कुछ चाहिए, कॉमेडी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इस मूवी में कॉमेडी तो मिलेगा ही नहीं, एंड आइटम सॉन्ग तो एक ही आइटम सॉन्ग है, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है, आइटम सॉन्ग का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ठीक है। एंड मेजर जो पार्ट है मूवी में जो भी है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन किच्छा सुदीप, उसी का परफॉर्मेंस का ऊपर ही डिपेंडेड था, क्योंकि वो विलन है या हीरो है, पूरा क्लाइमैक्स किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि हीरो कौन है एंड विलन कौन है। इतना बढ़िया तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया, तो बहुत लोग बोलता है कि मूवी में कुछ स्टोरी ही नहीं है, एंड मूवी में कुछ भी नहीं है। पहले आपका दिमाग में कुछ है तो समझ में आएगा कि मूवी में क्या है, ठीक है। खाली दिमाग लेके बैठ जाओगे एंड कोई आइटम सॉन्ग आएगा तो बस सीटी मार के नाचते रहोगे, तो आप लोग क्या ना जो मास मूवीज है वही ठीक था। एंड दूसरा बात और एक है, जो KGF लवर्स है, जो कनाडा इंडस्ट्री में खुद जो KGF मतलब जो भी रॉक स्टार रॉकिंग स्टार जो भी यश का फैंस है, वो लोग खुद नेगेटिविटी फैला रहे कि ये मूवी कहाँ अच्छा कलेक्शन कर देगा तो KGF का रिकॉर्ड्स भी पीछे छोड़ देगा करके। भाई साहब मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग खुद ही नेगेटिविटी फैलाने में बहुत ही बिजी हो गया, तो कोई बचा नहीं सकता आपके इंडस्ट्री को, ठीक है। बहुत साल से आप लोग वेट कर रहे हैं कनाडा इंडस्ट्री का कुछ रिकॉग्निशन चाहिए करके, एंड फाइनली अगर आप रिकॉग्निशन मिल रहा है तो आप लोग खुद ही बिजी है कि मेरा हीरो बड़ा है, मेरा हीरो बड़ा है करके आप लोग बस आपस में लड़ते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है, बस मैं यही बताना चाहता हूँ ये वीडियो के तरफ से। मूवी में जो स्टोरी है एकदम बढ़िया स्टोरी लेके मूवी बनाया है, एंड जो भी रिवील करता रहता है स्टोरी लेयर बाय लेयर, वो भी बढ़िया तरीके से किया गया है। अगर आप लोग समझा नहीं मूवी ठीक से, तो ये वीडियो देखो, देखने के बाद फिर और एक बार मूवी देखो तो समझ में आएगा ठीक से, एंड पूरा हैरान हो जाओगे कि मूवी कैसा बनाया करके, ठीक है। देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो ठीक है। एंड आपका जो भी ओपिनियन है मूवी के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।